11 सितंबर को वीकली टेस्ट हुआ था एनडीए का, उसके रिजल्ट हैं ये। जैसे कि आपको सबको मालूम है दून डिफेंस एकेडमी में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही टेस्ट होते हैं, और ये वीकली टेस्ट के रिजल्ट हैं। और बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए डीडीए ना सिर्फ कैश अवार्ड बल्कि सर्टिफिकेट्स एंड मेडल भी उनको देते हैं। तो इसी कड़ी में इस वीक के जो 11 सितंबर को एग्ज़ाम हुआ उसके जो रिजल्ट हैं वो आपके सामने हैं। फर्स्ट पोजीशन इस बार रोहित माली ने ली है, तो उनको सर्टिफिकेट मेडल गोल्ड मेडल और ये 500 रुपीज का कैश प्राइज। सेकेंड है अखिल सिंह यादव, अखिल सिंह ठाकुर। बेटे आप कहाँ से हैं? विकास नगर। तुम कहाँ से थे? मैं राजस्थान। राजस्थान आओ। ये सिल्वर मेडल है इनका, ये सर्टिफिकेट है और ये 300 रुपीज का कैश होगा। गुड लक। थर्ड प्राइज जो है ब्रॉन्ज मेडल जैन लायक सिंह तोमर। कहाँ से हो बेटा? भिंड मध्य प्रदेश। ओके, ये आपका सर्टिफिकेट हो गया, ये आपका ब्रॉन्ज मेडल हो गया और ये 200 रुपीज का कैश अवार्ड। अच्छा बेटा सब आ जाओ। तो ये हमारे इस वीक के विनर है फर्स्ट सेकंड थर्ड, और मेरी शुभकामनाएं, मेरी पूरी फैकल्टी स्टाफ की शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। इसी तरह मेहनत करते रहो, मन लगा के पढ़ाई करते रहो, और एक दिन आपका सिलेक्शन भी होगा, जैसे कि आप देख ही रहे हो कितने क्वालिफाई किए हैं और आपका भी नंबर आए। ठीक है बेटा, चलो ओके, गुड लक, थैंक यू। जय हिंद एवरीवन, आई एम रोहित माली, आई हैव स्कोर्ड फर्स्ट रैंक इन दिस वीकली यूनिट टेस्ट। I am from Bikaner, Rajasthan. I am studying here at Sandeep Sir Dhun Defence Academy. The teachers of the academy are very good and teaching us very well, and they also motivate us for doing more and more hard work. So by their motivation and teaching, I have topped the exam of this week in test 3. Good morning everyone, my name is Akhil Singh Thakur and I am from Kasnagar, Dehradun, and here at DDA I am studying for the National Defence Academy written examination, and I have scored second position in my previous weekly test that happened over here. So all in all, it's a good atmosphere to study here in DDA. Teachers are very supportive over here, they motivate us in every way and help us in every single way they can. It's a really good atmosphere out here and best place to study and prepare for defense exams. Dear students, especially jo Dhun Defense Academy mein pad rahe hain, abhi aapne dekha ki जो हमारे वीकली टेस्ट हुए थे, ऑफलाइन टेस्ट हुए थे, उसके हमने विनर्स को प्राइजेस दिए हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड जो हमारे विनर थे उनको प्राइजेस दिए, कैश अवार्ड भी मिला है, सर्टिफिकेट भी मिले और मेडल भी मिले हैं। मैं आपको कई बार कह चुका हूँ, एडवाइस दे चुका हूँ और एक बार फिर से मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ, बताना चाहता हूँ वीकली टेस्ट, वीकली यूनिट टेस्ट की इम्पोर्टेंस। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था क्यों ज़रूरी है ये, मैं अभी भी देखता हूँ कि बहुत सारे बच्चे इनको मिस करते हैं, इनको लाइटली ले रहे हैं वीकली टेस्ट को। देखिए, आप कितनी मर्जी प्रैक्टिस कर लें, कितनी मर्जी तैयारी कर लें, लेकिन जब तक आप अपनी तैयारी को एनालाइज नहीं करेंगे, उसका विश्लेषण नहीं करेंगे, आपको नहीं मालूम चल पाएगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, किस चीज़ की कमी रह गई है, किस चीज़ पे और वर्कआउट करना है आपको, और उसका सीधा सीधा पता चलेगा आपको यूनिट टेस्ट देने से। लेट्स से कोई स्पोर्ट्स है, मान लिया क्रिकेट ही है, क्रिकेट में आप देखते होंगे कि नेट प्रैक्टिस होती है, फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग, मैच से पहले। लेकिन अगर सिर्फ नेट प्रैक्टिस ही करते रहे, प्रैक्टिस ही करते रहे और मैच बिना खेलें, तो कैसे पता चलेगा कि आपकी प्रैक्टिस कितने सार्थक है, कितनी सही दिशा में है, उसका क्या रिजल्ट आ रहा है। सिमिलरली आप पढ़ाई करते रहें, तैयारी करते रहें, लेकिन आप एग्ज़ाम ना दें, तो आपको मालूम नहीं चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, कहाँ कमी रह गई है, कहाँ पे आपको काम करना है। तो इस चीज़ को सीरियसली लें। मैं बच्चों को, उनके पेरेंट्स को, सभी को ये कहना चाहता हूँ
और टीचर को भी, जो हमारी स्टाफ हमारे फैकल्टी है, उनको भी कहना चाहता हूँ कि बच्चों को मोटिवेट करें, लगातार मोटिवेट करें। और बच्चों को, आपको खुद को ये फील होना चाहिए, खुद को अंदर ये मैच्योरिटी अब आपको होनी चाहिए, क्योंकि आप किसी स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं, आप एक कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, कई बार भी मैं आपको ये बता चुका हूँ, उसमें आपका टाइम मैनेजमेंट, आपको पता है आपके आने वाले एग्ज़ाम, चाहे वो NDO CDSE का हो, FCAT हो, एयरफोर्स ग्रुप XY हो, इंडियन नेवी AA SSR हो, मर्चेंट नेवी का हो, कोई भी हो एग्ज़ाम, उसका एक टाइम पीरियड होता है, और बहुत सारे एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, एग्ज़ाम नहीं देंगे वीकली टेस्ट, तो आपकी रियल, जो आप एक्चुअल में जब आप एग्ज़ाम के लिए जाएंगे, वहाँ तो आप बच नहीं सकते, वहाँ तो आपको एग्ज़ाम देना ही है ना। तो जब तक विदाउट प्रैक्टिस आप जाएंगे, तो आप कैसे क्वालिफाई करेंगे? इसलिए मेरी बात मानो, इतने सालों के एक्सपीरियंस से मैं आपको ये कह रहा हूँ, और मैंने लगातार कई सालों से देखा है, 16 ईयर हो गए हैं, जो बच्चे लगातार अपने यूनिट टेस्ट देते हैं, वीकली टेस्ट देते हैं, जो मंथली टेस्ट होते हैं, चाहे वो ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, वो लगातार देते हैं, एक्चुअल में आके फिजिकली आके अटेंड करते हैं, उनके वो बच्चे ज़्यादा क्वालिफाई करते हैं आप आने वाले एग्ज़ाम में। और जो बच्चे इसमें मिस करते हैं अपने टेस्ट, वो बच्चे की क्वालिफाई करने की संख्या हमेशा कम होती है। इसलिए बच्चों, समझो बात को, मिस मत करो। और एक टेस्ट को बनाने में, एक टेस्ट को कंडक्ट करने में आप सोच रहे हो इतना ईजी है, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, एक बहुत बड़ा प्रोसीजर है। डून डिफेंस अकेडमी की पूरी टीम इसके लिए एक दिन रात करके लगी रहती है, टेस्ट तैयार करने में, उनका प्रिंट आउट निकालने में, कंडक्ट कराने में। हमारी फैकल्टी जो ड्यूटी देती है, हमारे स्टाफ जो ड्यूटी देता है, एक बहुत पूरी मेहनत है उसके पीछे। वो किस लिए है? वो आपके लिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो एग्ज़ाम में जाने से पहले। और आप वो मिस कर रहे हो, आप सोचो आप क्या कर रहे हो। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें जो भी क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं, टेस्ट में जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं, वो ऐसे नहीं है रैंडमली कहीं से भी उठा के डाले नहीं है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो आपके आने वाले आपके जितने भी एग्ज़ाम होंगे उसको मद्देनज़र रखते हुए बनाए गए हैं, और कहीं ना कहीं वो क्वेश्चंस आपको आपके आने वाले एग्ज़ाम में मिलेंगे। तो ये आलस छोड़ो, किसी चीज़ का अगर डर है वो छोड़ो, फेल होने का अगर टेस्ट में डर है तो वो छोड़ो, उसमें कोई नहीं है, ये तो प्रैक्टिस है, आपकी प्रैक्टिस है, उससे कोई डरने की बात नहीं है। बिलीव मी, आप ये टेस्ट देना शुरू करो और फिर आप देखो कि आपकी प्रोग्रेस कहाँ से कहाँ जाती है। बात समझो, जो कह रहा हूँ उसको सुनो, एक एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको कह रहा हूँ, उसको आपको ध्यान देना जरूरी है। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखें, कंटिन्यू प्रिपरेशन, अपनी मेहनत करते रहें। आप बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है आपके एग्ज़ाम के लिए, कमर कस लें, और फिजिकल ट्रेनिंग भी आपकी स्टार्ट हो गई है, उसको भी ज्वाइन करें। हमारी कंप्यूटर लैब जल्दी ही तैयार होने वाली है, ऑनलाइन प्रैक्टिस वापी भी आपकी चलेगी, और अकेडमी का डॉक्टर भी आपको बताइए, अगर किसी की कोई तबीयत ख़राब होती है आप उनसे मिल सकते हैं, अपना इलाज उनसे करा सकते हैं। साथ ही साथ अभी NDA के जैसी कॉल लेटर आते हैं, आप NDA के कॉल लेटर DDA में जमा करा देना अपने रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद एंड गुड लक। काइंडली सब्सक्राइब DDA YouTube चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन।